नमस्कार। हम कामायनी के अंतिम भाग में कामायनी की श्रद्धा सत्य जो आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है उसके अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की ये कक्षा है जिसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं या प्रथम प्रश्न पत्र की जो काव्य रचनाएं हैं उन्हें हम पढ़ रहे हैं। कल से आगे हम चलते हैं जहाँ कामायनी को देख कर मनु अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कल हमने देखा था कि कामायनी के सौंदर्य को वो किस तरह से अनुभूत कर रहे हैं और कवि बार बार अलग अलग तरह से उपमा देकर उनके उस छवि का वर्णन करते हैं। उसी में आगे है, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, पुष्प सुंदर कुसुम कानन माने फूल के जैसा सुंदर उनका मुख और अंचल में मंद मंद जैसे कि पवन प्रेरित पवन से प्रेरित होकर सुगंधित मंद मंद उनकी सांसें अंचल में माने आंचल में रचित परमाणु पराग शरीर, ऐसा लगता था जैसे पराग से परमाणु माने पराग के छोटे छोटे अणुओं से माने सुगंध से पूरा उनका जो बदन था वो महक रहा हो। खड़ा हो ले मधु का आधार, ऐसा लग रहा था जैसे मधुर मधुर और सुगंधित सुगंध और मधु स्वयं जैसे उनका व्यक्तित्व निर्मित कर रहे हो, साक्षात मधु और सौरभ भी जैसे आकर खड़े हो गए हो, ऐसा श्रद्धा का व्यक्तित्व मनु को प्रतीत हो रहा था। और पढ़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विफल प्रतिबिंब मधुरी माँ खेला सदृश अबाद। और पढ़ती हो उस पर शुभ्र माने पवित्र नवल मधुरा का मन की साध, ऐसा लग रहा था जैसे कि चंद्रमा की सुंदर नवल माने नवीन कोई पवित्र किरण सामने आ गई हो, साध माने अभिलाषा, बरसों की अभिलाषा चंद्रमा के एक नवल किरण के रूप में शुभ्र पवित्रता के साथ आ खड़ी हुई हो। हंसी का मद विभर प्रतिबिंब, और जो वो मुस्कुरा रही थी उनकी वो मुस्कुराहट ऐसा लगता था जैसे मधुरिमा खेला सदृश अबाद, कि मधुरिमा मधुरता खुद जैसे उनकी उस हंसी में समाहित हो गई हो, उसी का उन मधुरिमा मधुरतम मधुरता का प्रतिबिंब मानो उनकी मुस्कुराहट हो। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्कासा जलता भ्रम शून्य से फिरता हूँ असहाय। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। मनु ने अब तक तो उन्हें अनुभव किया, फिर वो उत्तर देते हैं जहाँ हमारा ये पद शुरू हुआ था आपका पाठ्यक्रम कि कौन संस्कृति, वो मनु से उनका परिचय पूछते हैं। इतने लंबे समय तक तो वो अनुभूत करते हैं, उनके सौंदर्य को महसूस करते हैं अनुभव करते हैं, और अब वो जवाब देते हैं। मनु का जवाब है श्रद्धा को, वो कहते हैं नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, कि इस धरती और आकाश के बीच ये मेरा जीवन एक निरुपाय मतलब निरुपाय होकर रहस्य बनकर रह गया है, मेरे पास कोई समाधान नहीं है कि मैं अपना जीवन कैसे जीऊं। एक उल्कासा जलता भ्रांत सूर्य शून्य से फिरता हूँ असहाय, एक उल्का पिंड की तरह से इधर उधर जलता हुआ शून्य से फिरता हूँ असहाय इधर उधर घूमता रहता हूँ, माने निरुद्देश्य निरुपाय इस धरती और गगन के बीच अकेला इस निर्जन प्रांत में विचरता रहता हूँ भ्रमण करता रहता हूँ। शैल निर्झर न बना हतभाग्य गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक आह वैसा हूं मैं पाखंड पाषण पाषण मने पत्थर। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, मैं किसी निर्झर मने झरने का कोई पत्थर नहीं बना। झरना जहाँ से बहता है, तो झरना जिस पत्थर से बहता है तो लगातार पानी गिरने के कारण वो पत्थर भी धीरे धीरे क्या होता है गलता जाता है और पानी के साथ बहता जाता है। बहुत एक दिन में नहीं होता, महीनों वर्षों में जिस पत्थर से झरना गिरता है वो पत्थर भी उस झरने के साथ धीरे 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 अपना अस्तित्व खोता जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा हतभाग्य मैं ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण प्राणी हूँ कि मैं किसी निर्झर का किसी झरने का कोई पत्थर नहीं बन सका जो कि गल नहीं सका जो कि हिमखंड, और मैं एक ऐसा हिमखंड हूँ मैं एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा हूँ जो कभी गल ही नहीं सका अपना अस्तित्व खत्म नहीं कर सका। दौड़कर मिला ना जल निधि अंक आह वैसा हूँ मैं पाखंड, पत्थर किनारे के जो पत्थर होते हैं लहर आती है और वो पत्थरों को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो कहते हैं कि मैं वो
पाखंड माने वो पाषंड माने वो पत्थर हूँ जो कि जल निधि माने समुद्र की गोद में, अंक माने गोद में कभी समा नहीं सका, माने मेरा मेरा अस्तित्व क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों जीवित हूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं एक ऐसा दुर्भाग्यशाली प्राणी हूँ जो इस धरती और गगन के बीच पता नहीं क्यों जीवित हूँ। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, पता नहीं मैं क्यों जीवन जी रहा हूँ, मेरा जीवन स्वयं एक पहेली है जिसे मुझे नहीं, मैं सुलझा नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी मुझे ये अभिमान है, ये झूठा घमंड है कि मैं इसे सुलझा लूंगा, मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे इस पृथ्वी पर इस अकेला प्राणी के रूप में मैं क्यों बचा हुआ हूँ। बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। मेरा जीवन जो है वो मुझे विस्मृति का मार्ग बताता है, माने मुझे बार बार ये विस्मृत होता है, मैं भूलता हूँ कि मैं किस मार्ग पर जाना चाहिए, मुझे मैं किस मार्ग पर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अनजानों की तरह, अजनबियों की तरह निरंतर अपना जीवन जिए जा रहा हूँ, हर दिन बिताता जा रहा हूँ। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, दिन दिन मैं अपने अतीत को, अपने भूत को, कि मैं क्या था ये भूलता जाता हूँ। अतीत माने भूतकाल। भूलता ही जाता दिन रात, हर बीतते हुए दिन और रात के साथ मैं अपने अतीत को, अपने पूरे पिछले जीवन को भूलता जा रहा हूँ। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, तिमिर माने अंधेरा, और गर्भ में माने सामने मुझे निरंतर केवल अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। दीन जीवन का यह संगीत, तुमने जो मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, तो अभी मैं अपने जीवन का केवल तुम्हें यही परिचय दे सकता हूँ कि मेरा जो जीवन है वो कितना दीनहीन है, मेरे इस दीनता का यही मतलब, मेरे इस जीवन का यही परिचय मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यहाँ आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कामायने के पद समाप्त होते हैं। अगले व्याख्यान में हम प्रसाद की आंसू, एक और बहुत महत्वपूर्ण उनकी जो कविता है, उस पर चर्चा करेंगे या उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।